शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निदान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि है मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहो। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरस्सा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। उसने योजना भर चार कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए, जैसे जैसे सुरस्सा मुख का विस्तार बढ़ाती थी। हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धिवीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, है उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किया है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है।
सोने के परकोटे चहाड़ दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेगे। पियस नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश खनरू। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहो चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उलटी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मार हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। है तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आप को नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां खसंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावणी को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के अयुद्ध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित थे। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहां सज्जन साधु पुरुष का निवास कहो। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रस्तुत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरिभक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद मग्न हो गए। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात,
मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्रन जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी के कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं? जाति का चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दबुला हो गया है, सिर पर जटाओ की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है श्री जानकी जी। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुख देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने गले कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुहक कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्रन जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर? और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कलम की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यो कहकर रावण महल चला गया। यहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी सभों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न, मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मूड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई है, इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है।
नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जाहो जाहो चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि एक महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहम हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्षा, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्निदेव, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अखुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रघुनाथ जी का दूत हूं, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं, श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने, जैसे संग हुआ था, वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम व्यक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपासागर श्री रघुनाथ जी का दास है, भगवान का जन सेवक, जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूं। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हां नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे धूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए।
उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रिकाल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध, शीतल, मंद, सुगंध, वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुहक कह डालने से भी कुछ घच जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूप सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहां से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उन की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहां आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी घ्रुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी का मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निदान हो। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा, सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उसका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बुद्ध से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने
अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सु उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। शिवाजी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभी देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रूख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी ने मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निःशंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दशीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जेस मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे।